Dear friends, I, Manisha Shah, welcome you to this beautiful zone of Mirage 2SS. Today, in this present scenario, where everybody is so worried about coronavirus spreading all over the globe, and they find it very fatal and they don't know what to do. मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें. तो आपको M2O जो आपने सबने किया है, तो टेक्निक्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, और आप सब जानते हो कि आपको क्या करना है, बॉडी हीलिंग के लिए क्या करना है, टैपिंग से क्या हो सकता है, अफर्मेशंस क्या कर सकते हैं. लेकिन हम एक ग्रुप एनर्जी के तौर पे ट्रिपल टी का प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो लेट अस बिगिन डूइंग 1 TT एवरी डे फॉर दिस. मैं ट्रिपल टी इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ट्रिपल टी में टैपिंग से हम सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल सकते हैं, टच से हम पूरी बैलेंसिंग और हार्मोनाइजिंग एनर्जी को भर सकते हैं, और एक्सपेंशन में हम पॉजिटिव रिजल्ट्स विजुलाइज कर सकते हैं. हम यहाँ पे कोरोना के अगेंस्ट नहीं काम कर रहे हैं, ये बात समझना बहुत जरूरी है. देखिए, जो कोरोना एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त, एक्टिवेट हुआ है इस वक्त यूनिवर्स में, तो डेफिनेटली कुछ पर्पस है. और विद ड्यू रिस्पेक्ट पीपल हु आर लूजिंग देयर लाइव्स, देखिए हमको समझना है कि डेथ तो डे इन एंड आउट हो ही रहे हैं वर्ल्ड में, एक या किसी और कारण से, लेकिन हो तो रहा है. यस, देयर इज सम और द अदर रीजन वी कीप सीइंग डेथ्स ऑफ इवन नियर एंड डियर वंस. सो डेथ इज नॉट समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू स्टॉप बाय प्रैक्टिसिंग ऑल दिस. ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोरोना से फाइट करने की जरूरत नहीं है, कोरोना की फियर से फाइट करने की जरूरत है इस वक्त सबसे ज्यादा. और कोरोना वायरस का जो वैक्सीन निकलना है या उसका जो इलाज निकलना है, वो डेफिनेटली अपने ड्यू टाइम पे निकल ही जाएगा एंड रास्ता मिल ही जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दैट. हमने बेसिक कोर्स से लेकर हर वक्त ये सब बात की है कि ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन माइंड कितना सुप्रीम है, एक सुप्रीम सॉफ्टवेयर है, और इसमें हर तरह का इलाज संभव है, वो कर ही लेता है, रास्ते ढूंढ ही लेता है, तो वो तो निकल ही आएगा. लेकिन इस वक्त है ना, क्योंकि हम सबको कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, सारे लोग घर में हैं, तो एक तरह का एक अननेचुरल वातावरण फील कर रहे हैं हम कि जिंदगी रुक सी गई है. कुछ कुछ चीजें जिस तरह से इम्पैक्ट हो रही है, इवन फाइनेंशियली चीजों को इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये सब इम्पैक्ट के कारण कोरोना वायरस के आसपास बहुत सारी अलग प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज का एक्यूमुलेशन हो गया है. वो हमारे जहन में बैठने लगा है, हमारे T+E में घूमने लगा है. तो इसीलिए हमको, और डेफिनेटली आप जानते ही हो कि ये सोशल मीडिया के कारण तो बहुत ज्यादा ये चीजें लोगों के जहन में बहुत बुरी तरह से बैठ रही हैं. तो इसीलिए हम एवरी डे इसको एड्रेस करते हैं. तो एवरी डे एड्रेस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट निकालने हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि सब लोग बिजी होते हैं, सबका अपना काम होता है. तो हम एक 3-4-5 मिनट के अंदर अंदर ये करते हैं, और एक कमिटमेंट करते हैं सारे M2Ites मिलके. अगर एक सारे M2Ites भी करें तो इट इज अ कम्युनिटी विच इज बिगर देन इवन 10,000 people. 10,000-15,000 लोग इकट्ठा हो जाए, अगर जितने जिन्होंने M2O किया है उतने लोग भी मिलकर कर ले, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग एक प्रकार का प्रैक्टिस करेंगे और वाइब्रेशंस को राइज करेंगे. तो हम अब ट्रिपल टी करेंगे, मैं आपको बताने जा रही हूँ. सो प्लीज इस वीडियो को देखें, और उसके बाद हर बार वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही कर लोगे. आप सबको वैसे आता ही है, लेकिन फिर भी जस्ट टू मेक श्योर कि हम सब एक प्रकार से करें. तो एक डमी ले लें, जैसे ये तकिया लिया है मैंने, ऐसा एक कोई डमी ले ले, और उस डमी को अपने लैप पे रखते हुए आप इस तरह से अपने लैप पे रख सकते हो, एंड यू कैन जस्ट बिगिन टैपिंग. ठीक है, तो ये करने से पहले आपको प्रार्थना करनी है परमात्मा से. सो आप यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि मेक मी इंस्ट्रूमेंटल टू हीलिंग एंड टू ईजिंग आउट माइंड्स एंड टू ब्रिंग सोलेस टू पीपल. तो आप प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं इस पूरे वातावरण को, इस सिचुएशन को हीलिंग में कंट्रीब्यूट कर पाऊं, ब्लेस कर पाऊं, लोगों के मन को शांति मिले, सोलेस मिले, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले. इसके लिए मुझे आप हिम्मत दीजिए और मुझे एक चैनल की तरह काम करने दीजिए.
ऐसे ही परमिशन लेके परमात्मा से आपको टैपिंग शुरू करना है, तो आप इस तके पे टैपिंग करेंगे ऐसे, एंड आप सिर्फ बोलेंगे डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप, ऐसा आप 21 टाइम्स बोलेंगे डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप। ये जब आप कर रहे हो 21 टाइम्स डिवाइन टैप बोल रहे हो, तब सोचे कि ये जो तकिया है, ये जो डमी है, ये पूरा प्लैनेट अर्थ है, ये पूरी धरती है, और हर कंट्री इसमें समाये हुए, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग अवर सिटी, एवरीथिंग। और हम टैपिंग कर रहे हैं यहाँ से, इस वायरस के थ्रू जो प्रॉब्लम्स आए हैं, इससे जो डर, जो टेंशन, जो परिस्थिति का माहौल क्रिएट हुआ है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक एनर्जी की तरह इसमें से निकल रहा है। तो ये पूरा स्पेस है आपका, ये स्पेस पे आप डिवाइन टैप कर रहे हो, मतलब आप प्लैनेट अर्थ पे डिवाइन टैप कर रहे हो। आपकी टैपिंग प्लैनेट अर्थ के हर कण कण में पहुंच रही है, और आप डिवाइन पे छोड़ रहे हो इस टैपिंग के थ्रू, क्या कैसी एनर्जी कैसे बाहर निकलनी है। तो आपको सिर्फ डिवाइन टैप कहते हुए आंखें बंद रख के पूरी डार्क डार्क एनर्जी को बाहर जाते हुए विजुअलाइज करना है, और 21 बार बोलना है डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप डिवाइन टैप ऐसे। ये करने के बाद 21 बार बोल दिया, ये विजुअल कर लिया आपने, फिर आप दोनों हाथ हथेलियों को ऐसे रखें अपनी छाती पे, ब्रीद इन करें नाक से, ब्रीद आउट करें मुंह से, ऐसा आप 7 से 11 से 21 बार तक कर सकते हैं, जितना आप करना चाहते हैं। हर नेक्स्ट ब्रेथ को थोड़ा लंबा बनाएं, ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट करते हुए फील करें कि पूरी की पूरी डार्क एनर्जीज बाहर निकल चुकी हैं, और ये टेंशन वरी सब बाहर निकल चुके हैं। अब सेकेंड आपको करना है, अपने राइट लेफ्ट पाम को ऐसे ओपन रखना है स्काई की तरफ, राइट पाम को आपको फिर से अपने इस डमी पे रखना है, इस तरह से डमी पे रखना है, और लेफ्ट पाम ऐसा ओपन रखना है। यू आर रिक्वेस्टिंग यूनिवर्स टू सेंड द हीलिंग एनर्जीज। तो विजुअलाइज करें कि आप यूनिवर्स से बहुत सारी प्योर डिवाइन एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप ये टच पूरे अर्थ को दे रहे हैं, ये हीलिंग एनर्जीज सेंड कर रहे हैं, ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, डिवाइन टच डिवाइन टच डिवाइन टच, ये रिपीट करते हुए। तो डिवाइन टच आप रिपीट करेंगे 21 टाइम्स, और ये टच में आप फील करेंगे कि ये पूरा स्पेस पिंक पर्पल गोल्डन ऐसी एनर्जी से भर चुका है, सारी ब्लैक एनर्जी आपने टैपिंग में निकाल दी है, अब इसको आप प्योर पिंक पर्पल गोल्डन ऐसी एनर्जी से भर रहे हैं। डिवाइन टच डिवाइन टच डिवाइन टच डिवाइन टच डिवाइन टच डिवाइन टच, ये बोलते हुए विजुअलाइज करें कि सब लोग के इंसानों से लेकर हर जगह पे हर एक को हीलिंग एनर्जीज मिल रही हैं। आप ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हैं डिवाइन टच के वक्त कि सॉल्यूशंस आर कमिंग योर वे, क्लैरिटी इज कमिंग योर वे, मतलब गाइडेंस मिल रहा है, डिवाइन गाइडेंस आ रहा है। तो उन शब्दों को आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशंस पूरे प्लैनेट अर्थ में जा रहा है, और रास्ते मिल रहे हैं इसमें से निकलने के। ठीक है, तो आपने 21 टाइम्स डिवाइन टच कहा। अब आप दोनों हथेलियों को ऐसे आपस में सामने सामने पकड़े, अपने हार्ट लेवल पे रखें, विजुलाइज करें कि आपके दोनों इन पाम्स के बीच ऐसे ऐसे करते हुए आप एक गोल्डन बॉल फील करें। फील द एनर्जी बॉल ऑफ गोल्डन बॉल, कि आपके आंखों के सामने आपके दोनों हाथों के बीच एक बहुत बड़ा गोल्डन बॉल है, उसमें विजुलाइज करें कि पूरे अर्थ में नॉर्मल लाइफ रेज्यूम हो चुकी है, सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गैदर हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो रहा है। जैसे 3 लाख से भी ज्यादा वायरसेस को हम आज तक डील करते आए हैं, कोरोना वायरस इज जस्ट वन ऑफ देम एंड वी आर इजीली एबल टू डील विद इट। इसका सॉल्यूशंस हमको मिल चुके हैं, इसके सॉल्यूशंस हमको मिल चुके हैं, इसके लिए पूरे दवाइयाँ या जो कुछ भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये सब कुछ हमको मिल चुका है, एंड वी आर ऑल पीसफुल एंड हैप्पी। और आपको ये वाइब्रेशंस कोरोना वायरस को भी भेजना है, बिकॉज जब हम यूनिवर्स एज अ होल सोचते हैं, तो कोरोना वायरस इज जस्ट अ पार्ट, वन ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ एंड अवर स्पेस।
So as a whole, when you see yourself, it is just one of the thing. So send loving vibrations to coronavirus also, so that the coexistence with this virus becomes very harmonious. उसके बाद आप दोनों हथेलियों को ऐसे करें और डिवाइन सरेंडर, डिवाइन सरेंडर, डिवाइन सरेंडर. देखे कि ये गोल्डन बॉल आकाश में जा रहा है. You are surrendering it to divine, to the universe, and universe will take the best care of the whole situation. इस भावना के साथ आपको डिवाइन सरेंडर करना है. तो ये बस तीन चीजें हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. एक डमी ले लीजिए, उसको एक एनर्जी फील्ड, मतलब ये पूरा स्पेस है, ये पूरा प्लैनेट अर्थ है, या आपकी कंट्री, या सब कुछ यही है, और इसी के ऊपर आपको डिवाइन टैप, डिवाइन टैप, डिवाइन टैप, देन ब्लो आउट, फिर डिवाइन टच, डिवाइन टच, डिवाइन टच, फिर डिवाइन एक्सपेंशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन. ये बोलते हुए आपको गोल्डन बॉल में पॉजिटिविटी को विजुअलाइज करना है, और फिर डिवाइन सरेंडर, डिवाइन सरेंडर, डिवाइन सरेंडर तीन बार बोलकर इस बॉल को यूनिवर्स में जाने देना है. इतना सा आप एवरी डे करें, अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करें कि ये जो पैनिक सिचुएशन है ये ईज आउट हो जाए, लोग ईज आउट हो जाए, लोग एश्योरेंस में आए, लोग कॉन्फिडेंस में आए, लोग ट्रस्ट से ड्राइव करें कि हम सेफ है, सिक्योर्ड है. थैंक यू सो मच.